Hello everyone, this is Anjali and welcome back to the channel ICT. In today's video, I will be discussing the current affairs for April 2020 and I have tried to cover all the important current news from the first week of April. But before we start the video, please subscribe the channel and do give a thumbs up if you like this video. So, start karte hain national news se. DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑन कोविड 19 ग्रीवेंसेस ये एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें कि कोविड 19 से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस है जो भी शिकायतें हैं उन्हें रिसीव किया जाएगा और प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी जाँच की जाएगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस आरोग्य सेतु ऐप टू ट्रैक कोविड 19. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप ऑफिशियल कोविड 19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु नाम का और इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. PM President and MP's salary reduced by 30%, MP-led funds suspended for 2 years. तो यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है जिसमें कि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं MPs, including the Prime Minister नरेंद्र मोदी एंड his Council of Ministers, इनकी सैलरी में 30% का कट होगा from 1 April 2020, यानी कि 1 April से लेकर के एक साल तक इनकी सैलरी 30% कट करके आएगी. और ये जो मेजर है ये कोविड 19 के ड्यूरेशन में इकोनॉमिक स्लोडाउन को और कोविड 19 के रिपरकशंस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. और इसके साथ ही एमपी लैड फंड स्कीम यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2020-21 से 2021-22 के लिए टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया है. IIT रुड़की ने एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप किया है जिसका नाम रखा है प्राण वायु. और ये जो वेंटिलेटर है उसे IIT रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर के डेवलप किया है. इस वेंटिलेटर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इट इज़ नियरली 25,000 रुपीज़ और इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो कंजेशंस है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और ये सारे एज ग्रुप के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है. इस क्लोज्ड लूप वेंटिलेटर में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी यूज़ की गई है और ये कोरोना वायरस पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है. नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री ने उबर के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर है उबर वो ऊबर मेडिक कार्स की मदद से जो कोविड 19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में जो भी पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो डॉक्टर्स नर्सेस पैरामेडिक्स जो भी हैं जो भी इन्वॉल्व हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन फंड ऑफर किया है और ये जो फंड है वो इंडिया के इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स और हेल्थ केयर सिस्टम की जो प्रिपेडनेस है उसे देखते हुए ऑफर किया है. और इस फंड का बेसिक मेन एम ये है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसे और भी हाईटेक बनाया जा सके और इस पेंडेमिक के खिलाफ फाइट करने में और इंडिया की मदद की जा सके. प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज डेविड रॉबर्ट मालपास एंड हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वॉशिंगटन DC. UN COP26 क्लाइमेटिक चेंज समिट ये पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 यानी कि नेक्स्ट ईयर तक. और ये जो समिट है वो ओरिजिनली नवंबर में कंडक्ट किया जाने वाला था इन ग्लासगो और ये जो डिसीजन है वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज यानी कि UNFCCC ने UK और उसके इटालियन पार्टनर्स के साथ मिलकर के ये डिसीजन लिया है.
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने 58,44,240 पेंशनर्स के लिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पेंशन्स स्टार्ट किया है, और इसके लिए दे विल बी यूजिंग 2.5 लाख वॉलंटियर्स जो कि डोर टू डोर जा करके जो भी पेंशनर्स हैं उन्हें उनकी पेंशन्स घर पे प्रोवाइड करेंगे। और ये एम बेसिकली इसलिए उठाया गया है ये स्टेप ताकि जो भी पेंशनर्स हैं उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक यूनिक डिसइनफेक्टेंट टनल नेम्ड एज वी सेफ टनल इंस्टॉल किया है तेलंगाना में, और ये जो टनल है वो 20 सेकेंड्स के अंडर ही लोगों को सैनिटाइज कर सकता है फ्रॉम एनी पॉसिबल बैक्टीरिया और माइक्रोब। और ये जो टनल है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस के स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है, और इस टनल में जो डिसइनफेक्टेंट यूज़ किया जा रहा है वो एक कॉम्बिनेशन है वाटर सोल्यूबल पॉलीमर और आयोडीन का स्प्रे यूज़ किया जा रहा है, और ये इबोला और सार्स जैसे वायरस के खिलाफ भी काफ़ी इफेक्टिव है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना इज़ के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर इज़ तमिलीसाई सौंदरा राजन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने दिलीप कुमार पटेल को डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस अपॉइंट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, और इसके साथ ही जो ये दिलीप पटेल हैं वो इसके पहले भी एनटीपीसी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स के एचआर हेड रह चुके हैं फॉर अराउंड 12 इयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माधवी पुरी बक का टेन्योर है वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये माधवी पुरी बक ये होल टाइम मेंबर है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की, और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और इसके साथ ही ये प्राइवेट सेक्टर से आने वाली सेबी की एज अ बोर्ड मेंबर ऑफ सेबी ये प्राइवेट सेक्टर से आने वाली फर्स्ट पर्सन है। चेयरमैन ऑफ सेबी इज़ अजय त्यागी एंड हेड क्वार्टर इज़ इन मुंबई। 2021 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को 2021 से शिफ्ट करके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। और ओरिजिनली ये जो चैम्पियनशिप है वो अगस्त 6 टू अगस्त 15 में कंडक्ट किए जाने वाले थे इन यूजीन ओरिगन में। और इसके साथ ही विंबलडन 2020 को भी कैंसिल कर दिया गया है। ओरिजिनली दिस टूर्नामेंट वॉज ड्यू टू बी प्लेड बिटवीन 29 जून एंड 12 जुलाई 2020, और इसे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद फर्स्ट टाइम ये ऐसा केस है जिसे जो इसे कैंसिल किया गया है ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। और ये जो कैंसिलेशन ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो ऑल इंग्लैंड क्लब AELTC ने अनाउंस किया है। फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर लेट को ब्रायंट को एज अ मेंबर सेलेक्ट किया गया है नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम का, और इसके साथ ही ये एक 9 मेंबर क्लास के पार्ट होंगे जिसमें टिम डुंकन और केविन गार्नेट जैसे ऑल स्टार सिलेक्शंस भी शामिल हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 19th एशियन गेम्स के मैस्कॉट को अनवील किया है। ये 19th एशियन गेम्स है ये हैंगजाओ में होने वाले हैं 2022 में, और ये जो मैस्कॉट है वो दे आर बेसिकली 3 रोबोट्स नेम्ड कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान एंड शेन शेन, और ये जो 3 रोबोट्स हैं उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो ये द स्मार्ट ट्रिपलेट्स है ये है ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 19th एशियन गेम्स, और ये जो मैस्कॉट है वो हैंगजाओ सिटी और जीजियांग प्रोविंस के इंटरनेट प्रोविंस को सिम्बलाइज करता है। एमी अवार्ड विनिंग सिंगर सॉन्ग राइटर एडम श्लेजेंजर की डेथ हो गई है, और ये 2000s के
पॉप रॉक बैंड फाउंटेन्स ऑफ वेन के को फाउंडर रह चुके हैं, और एडम श्लेजेंजर की जो डेथ हुई है वो COVID-19 की वजह से ही हुई है। और इसके साथ ही पद्मश्री अवार्डी भाई निर्मल सिंह, इनकी भी डेथ हो गई है आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फ्रॉम COVID-19। और ये एक ही वॉज एन गुरबानी एक्सपोनेंट एट गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब। नोबल प्राइज़ विनिंग फिजिसिस्ट फिलिप वॉरेन एडरसन का हाल ही में देहांत हो गया है। इन्हें 1977 में फिजिक्स के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया था। 3-टाइम ग्रामी अवार्ड विनर बिल विथर्स पासेस अवे। ये बिल विथर्स जो हैं वो 3-टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर थे और एक अमेरिकन सॉन्ग राइटर थे, और इनकी इनके करियर में इन्होंने 9 एल्बम्स प्रोड्यूस किए हैं, और इनकी जो लास्ट एल्बम थी वो थी वॉचिंग यू वॉचिंग मी इन 1985। वर्ल्ड की जानी मानी वायरोलॉजिस्ट गीता राम जी का भी हाल ही में देहांत हुआ है बिकॉज ऑफ नोवल कोरोना वायरस, और ये वैक्सीन साइंटिस्ट थी और HIV प्रिवेंशन रिसर्च लीडर भी थी, और हाल ही में ये ऑरम इंस्टीट्यूट में एज अ चीफ साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रही थी। 2 अप्रैल को हम ग्लोबली वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड 4 अप्रैल को वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे। DRDO ने 5 अप्रैल 2020 को फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस डिक्लेयर किया है, और ये जो डे है वो मेनली इसलिए मार्क किया गया है ताकि पीपल दे शुड रिमाइंड देमसेल्व्स कि उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करने की और अपने आप के लिए सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस वर्ल्ड को एक बेहतर प्लेस बना सकें। फ़ोनपे लॉन्चेस कोरोना वायरस इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर, और ये जो पॉलिसी है कोरोना केयर, ये फ़ोनपे ने बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिल करके पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। DRDO ने एक बायोसूट डेवलप किया है जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और ये जो बायोसूट है ये मेनली जो मेडिकल हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ हैं और अदर जो भी लोग हैं COVID-19 ट्रीटमेंट में जो भी इन्वॉल्व हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया है जिसके अंडर 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिकल सप्लाइज़ ये सप्लाई किया गया है मालदीव्स को विया एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J। और ये जो मेडिकल सप्लाइज़ जो मालदीव्स को ट्रांसपोर्ट की गई हैं वो एक तरीके से इंडिया की मदद है मालदीव्स के लिए टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। और ये जो मेडिसिन्स है जो भी सिटीज़ में डिलीवर की गई हैं वो इंडियन एयरफोर्स के हरक्यूलीस एयरक्राफ्ट के द्वारा पहुंचाई गई हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एनुअल इकोनॉमिक पब्लिकेशन एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 लॉन्च किया गया है जिसमें इंडिया की जो 2020 से 2021 की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है उसे स्लो डाउन करके 4% कर दिया गया है। प्रोजेक्ट मतलब 4% प्रोजेक्ट किया गया है, और ये जो स्लो डाउन है ग्रोथ में वो बेसिकली कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया है उसकी वजह से ये ग्रोथ रेट स्लो डाउन हुई है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर कमेंट एंड लाइक द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।